हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैट इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान को 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव कार्यक्रम की मंजूरी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड ल्यू को दी गई तीखी फटकार के रूप में आया है, जिसमें दिल्ली ने इस कदम के रीजन और समय पर सवाल उठाया है। हैरानी की बात यह है कि नई दिल्ली ने अभी तक इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया है। कहा जाता है कि ल्यू के साथ अमेरिका की घोषणा के बाद हुई सभी बैठकों में इस मुद्दे को भारत ने जोरदार तरीके से उठाया है। इस पैकेज को इस्लामाबाद को वर्तमान और भविष्य के आतंकवाद विरोधी खतरों से निपटने में मदद करने के लिए कहा गया है। 4 साल में इस्लामाबाद को वाशिंगटन की पहली बड़ी सुरक्षा सहायता है। पाकिस्तान को 450 मिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी सैन्य बिक्री, F-16 विमान स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय इंजन प्रबंधन कार्यक्रम, इंजन कंपोनेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम, विमान और इंजन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संशोधन और अन्य तकनीकी समन्वय समूहों को बनाए रखने में पाकिस्तान वायुसेना की मदद करेगी। आश्चर्यजनक रूप से सहायता घोषणा से ठीक 1 महीने पहले अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी 31 जुलाई की सुबह काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। जैसी कि उम्मीद थी, इस्लामाबाद ने ड्रोन हमले में पाकिस्तानी भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इसके विदेश कार्यालय ने सावधानीपूर्वक शब्दों में और अपेक्षाकृत अस्पष्ट बयान जारी किया है। यह मानने के कई कारण हैं कि जवाहिरी को मारने वाला हमला पाकिस्तान की सहायता के बिना नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने वित्तीय सहायता के बदले में अमेरिकी अधिकारियों को जवाहिरी स्थानों की सटीक खुफिया जानकारी दी होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ एक समझौते पर बातचीत में मदद के लिए US को बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद जवाहिरी की हत्या कर दी गई थी। कुछ हफ्ते पहले ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए US में थे। पाकिस्तान की सेना के साथ साथ उसकी सरकार अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो IMF सहित अपनी घटती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सीधे US या वैश्विक संस्थानों से बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता में तब्दील हो सकती है। सबसे अधिक संभावना है काबुल में हमले को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान में प्रवेश करने से पहले ड्रोन ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। यह पूरी तरह से संभव है कि इस्लामाबाद एक कदम आगे बढ़ के और खुफिया जानकारी भी साझा की हो। कुछ विश्लेषकों का मानना, इस घटना पाकिस्तान और अमेरिका के अशांत संबंधों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। फिलहाल पाकिस्तान ने ड्रोन हमले के नतीजों को घरेलू स्तर पर सफलतापूर्वक हैंडल किया है और इसके साथ पाकिस्तान का अमेरिका के साथ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग आने वाले महीनों में अपने वित्तीय और राजनयिक संकट को कम करने में मदद कर सकता है। इस घटना से भारत को भी सीख लेनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो स्थायी मित्र होते हैं और न ही स्थायी शत्रु, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।